तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बोट की तरफ से आने वाले इस वायर्ड ईयरफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसका नाम है बेस हेड्स 242। ये काफ़ी अच्छा ईयरफोन है। इस ईयरफोन के बारे में हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताई है। जो भी चीज़ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है बोट का ईयरफोन, जो कि काफ़ी अच्छे से रेटिंग मिली है। लगभग 1 लाख लोग परचेस किए हैं दोनों प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन। इसके साथ एक और स्टोरी भी जुड़ी हुई है। ये लगभग 11 बजे रात में डिलीवर हुआ। मैं अपना स्मार्टफोन चार्ज में लगा के छोड़ दिया था, कॉल आ रहा था, मैंने रिसीव ही नहीं किया क्योंकि मैं ऊपर था छत पे। तब कस्टमर केयर का कॉल आया कि देखिए आपका प्रोडक्ट बाहर खड़ा है, आप रिसीव कर लीजिए। तब जाके मैंने रिसीव किया है। देखिए जैसा कि आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, हर चीज़ दिया गया है। ड्यूरेबल केबल है, प्राइस इसकी लगभग 1499 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये जो हमें मिलता है बोट की तरफ, जो कि ये रियल प्राइस नहीं है, फेक प्राइस है। रियल प्राइस आपको वीडियो में पता चल जाएगी। इसकी हाईलाइट है, ये वाटरप्रूफ है, इसमें माइक है, साथ ही इसका प्यारा सा एक कैरी पाउच मिल जाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ईयरफोन से भी ज़्यादा कह सकते हैं। केबल क्लिप मिल जाती है जो आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देगी। जो पहले छोटे छोटे फ़ोन आया करते थे नोकिया के, उसके साथ एक केबल मिलती थी जो आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं अपने स्टाइल में। देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक मिल जाता है। इस बॉक्स देखिए बिल्कुल खाली है हम लोग की किस्मत की तरह। तो इसे करते हैं साइड, बस यही था बॉक्स, और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ। देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ब्लू कलर काफ़ी कूल लुक दे रहा है। आप पहन के बाहर निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। ये देखिए यही मैं पाउच की बात कर रहा था, कैरी पाउच, काफ़ी जैसे हीरे नहीं रखे जाते हैं वैसा ये पाउच, इसमें हीरे डाल के आप रखे हो मेन बोर्ड का। तो देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी पाउच की अच्छी है, नरम है। तो देख सकते हैं ऐसा ईयरफोन आपको देखने को मिल जाएगा। कलर काफ़ी कूल है, ब्लू कलर है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पाउच मिल जाता है, ईयरपीस आपके जो भी नीड है उस हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए रबड़ है, इसे मैं निकाल लेता हूँ फटाफट, जो कि इसको कवर किया है वो आप देख सकते हैं ध्यान से। तो ये निकल चुका है। मैं आपको इसकी लेंथ भी पूरी दिखाऊंगा, आप पूरी इसकी लेंथ भी नोटिस करेगा। ये है जैक, ये 90 डिग्री के एंगल पर ब्लेंड नहीं है, ये 180 डिग्री वाला है। कोई बात नहीं, इसी क्लिप की मैं बात कर रहा था। फिर से ये देखिए यहाँ ज्वाइंट दिया गया है ईयरफोन का। यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन और साथ ही गाने को भी चेंज कर सकते हैं, प्लस और माइनस वाला। ये माइक एक दिया गया है बटन पॉज एंड स्टॉप करने के लिए। देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको ईयरपीस देखने को मिल जाएगा। ग्रिप ग्रिप मेंटेन करेगा। ब्रांडिंग आप देख सकते हैं बोट की भी लिखी मिल जाती है। केबल की मैं लेंथ आपको दिखा देता हूँ, इतनी लंबी है केबल, इससे आप अच्छे से किसी का हाथ भी मोड़ सकते हैं, लपेट दीजिए हाथ में ऐसे अपने भी, कुछ भी करिए। वैसे यहाँ पे स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ मन करे वहाँ चिपकाइए, सबको बोट बना दीजिए कोई भी ब्रांड का हो। यहाँ पे ये लंबी सी किताब देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कार्ड टाइप का है ऐसे, आप इसमें देख सकते हैं सेलिब्रिटीज़। और अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो जान रहे होंगे ये IPL का सीन है, IPL की जो स्पॉन्सरशिप है जो भी है वो दिया गया है। यहाँ पे 1 ईयर वारंटी देखने को आपको मिल जाती है, कैरा अडवाणी है, कार्तिक आर्यन है। तो साउंड देख लेते हैं कैसा है साउंड क्वालिटी। तो चलिए अब माइक की क्वालिटी को हम देख। गाइस ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है बोट के वायर्ड ईयरफोन से। ये मैंने एकदम अपने मुंह के पास रखा, अब मैं दूर ले लिया थोड़ा, तो आप देख लीजिए कैसी क्वालिटी है। तो कमेंट करके बताइए कैसे लगी आपको माइक की क्वालिटी। गाइस मैंने इस ईयरफोन को लगभग 1 महीने के आसपास यूज किया है, काफ़ी अच्छा ईयरफोन है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, इसका पाउच भी मिलता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वो पाउच।
और मैंने इसके साउंड क्वालिटी भी काफी टेस्ट की, बेस उतना हाई नहीं है, जो लाउड म्यूजिक सुनते हैं उन लोगों के लिए ईयरफोन नहीं है, मतलब ये लाउड साउंड देता है लेकिन इसका बेस उतना हाई नहीं है, अगर आपको बेस पसंद है तो आपके लिए ईयरफोन नहीं है, इजी टू कैरी, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। प्राइस इसकी 600 रुपये है, मेरे ख्याल से इसकी 500 रुपये होनी चाहिए थी प्राइस, वारंटी भी आपको देखने को मिल जाती है, जल्दी उलझता नहीं है केबल, ठीक ही केबल है, वाटर प्रूफ और स्ट्रेट प्रूफ मिल जाता है, इसका मतलब इसको पानी में ही मत डुबो दीजिएगा। तो काफी अच्छा ईयरफोन है, मैं इसे 10 में से 9 की रेटिंग देना चाहूंगा क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, माइक क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, ऐसे बोर्ड से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करना ना भूलेगा, साथ ही इस वीडियो को जरूरी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।